what's up? Once again, welcome back to my channel. My name is Nikhil and you are watching Fashion Nick. Guys, दिन भर एक्टिव और प्रोडक्टिव रहना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है. एंड जब अपने आप को दिन भर एक्टिव, प्रोडक्टिव और क्रिएटिव रखने की बात आती है तो हम लोग जाते हैं चाय एंड कॉफी की तरफ, जो कि हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं. एंड जिसका रीजन है इसमें पाया जाने वाला पदार्थ कैफीन. कैफीन हमारे अंदर एड्रेनलिन का प्रोडक्शन स्टिमुलेट कर देता है, जिससे कि ये शॉर्ट टाइम के लिए तो हमें एनर्जी देता है लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है. इससे हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है एंड इससे हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है. एंड ये इसके नेगेटिव इफेक्ट्स है, हमारी बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करती है फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स देने के लिए, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ही तेजी से बढ़ जाता है. एंड गाइस, हम लोग ये जानते हैं कि स्ट्रेस हमारी बॉडी के लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं है. अब बात आती है कि कैफीन के अलावा भी कोई ऐसी चीज है जिससे कि हम अपने एनर्जी लेवल को बूस्ट कर सकें और अपने आप को क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक बना सकें. तो इसका आंसर है यस. आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसी चीजें जिससे कि आप कैफीन के बिना ही अपने एनर्जी लेवल को बूस्ट कर सकते हैं. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नंबर 1, कोकोनट वाटर. गाइस, कोकोनट वाटर ना सिर्फ टेस्ट में बहुत ही अच्छा होता है बल्कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एनर्जी बूस्टर है. इसमें विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. डॉक्टर निकेश सोनपाल के हिसाब से विटामिन बी हमारी बॉडी में फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसे कि ATP कहा जाता है. अगर आप भी अपनी एनर्जी को कैफीन के बिना बूस्ट करना चाहते हैं तो आप जरूर कोकोनट वाटर की तरफ जाएं. नंबर 2, मिंट. गाइस, अगर आप भी चाय और कॉफी का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं तो आप मिंट या पुदीने वाली चाय को ट्राई कर सकते हैं. पार्क एवेन्यू न्यूट्रिशन की न्यूट्रिशन डॉक्टर लीजा सी के हिसाब से पुदीने की पत्तियों को आप डायरेक्टली गर्म पानी में उबाल कर पी सकते हैं, जो कि आपके लिए एक अच्छे एनर्जी बूस्टर का काम करेगा. एंड इससे आप चाय या कॉफी को भी रिप्लेस कर सकते हैं. नंबर 3, टेक कोल्ड शॉवर. क्या आपको भी सुबह सुबह अपनी बॉडी को जगाने में दिक्कत होती है? अगर हाँ तो आप ठंडे पानी यानी कि कोल्ड शॉवर से नहाने का ट्राई जरूर करें. आई नो गाइस, ये चीज सुनने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही है, बट गाइस ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है. बट गाइस, बात आती है कि कोल्ड शॉवर लेना हम किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं. तो इसके लिए अपने नहाने के पानी के टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करें, अचानक से कम ना करें. एंड वॉश करने के लिए सबसे पहले अपने लेग्स को वॉश करें, देन अपने आर्म्स को वॉश करें या फिर गीला करें, देन अपनी पूरी बॉडी पे कोल्ड शॉवर यूज करें, जिससे कि आप आसानी से कोल्ड शॉवर स्टार्ट कर पाएंगे. एंड गाइस, ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है. एंड गाइस, कोल्ड शॉवर लेने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इससे अपनी बॉडी के राइट साइड से स्टार्ट करें, लेफ्ट साइड से स्टार्ट ना करें, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है. एंड राइट साइड से स्टार्ट करने से हमारे हार्ट पर अचानक से प्रेशर नहीं पड़ेगा. नंबर 4, इनहेल एसेंशियल ऑयल्स. गाइस, एसेंशियल ऑयल्स की स्मेल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है एंड इसके साथ ही ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है. अगर आप कॉफी के बिना कोई एनर्जी बूस्टर ढूंढ रहे हैं तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है. एसेंशियल ऑयल की बोतल को अपनी नोज के नीचे रखकर इनहेल करें. लेमन ऑयल इसमें एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. इसके अलावा आप पिपरमिंट ऑयल की 3 से 4 बूंदें अपने पाम में लेकर इनहेल कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो इससे अपनी नेक पर भी मसाज कर सकते हैं. एंड फाइनली नंबर 5, एक्सरसाइज. अब गाइस, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि एक्सरसाइज से तो हमें थकान महसूस होती है, तो उसका एनर्जी बूस्टिंग से क्या कनेक्शन है? तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी की एनर्जी प्रोड्यूसिंग हमारी डेली एक्टिविटी पे डिपेंड करती है. एक्सपर्ट्स एनर्जी बूस्टिंग के लिए सलाह देते हैं कि हमें एटलीस्ट एक दिन में 15 मिनट वॉक, स्टेयर्स को चढ़ना उतरना और हल्की सी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए. इससे हमारा मूड भी इम्प्रूव होता है और हमारी एनर्जी भी बूस्ट होती है. एंड जब हम रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमें हमारे लाइफस्टाइल में एक बहुत ही गजब का चेंज देखने को मिलता है. सो डू एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस. सो गाइस, बेसिकली ये थी 5 ऐसी चीजें जो कि कैफीन के बिना आपकी एनर्जी को बूस्ट कर सकती हैं. आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन टू बिकम अ पार्ट ऑफ अवर YouTube फैमिली. एंड गाइस, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी अपनी एनर्जी को कैफीन के बिना बूस्ट कर सके. आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही. बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश एंड कीप स्माइलिंग.